दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। गोपाल राय ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि राजधानी में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही राय ने आगे कहा कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। उनके अनुसार 21 अक्टूबर को एक जन जागरूकता अभियान दिए जलाओ पटाखे नहीं शुरू किया जाएगा। केजरीवाल सरकार इस शुक्रवार को कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 41,000 दिए जलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामले का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूरा बैन लगा दिया था। 2022 से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पूरे NCR में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया, क्योंकि यहां पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं दिल्ली में भी लोगों को प्रभावित करता है। दिल्ली के अलावा हरियाणा ने पिछले साल अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पाबंदियों के बावजूद दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े थे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।